दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल डी धन सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, करता हूँ स्वागत फिर से एक बार आपका आपके अपने चैनल डेविड द राइडर पर। तो आइए करते हैं शुरुआत एक नए वीडियो की, एक नई कहानी की। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये है हमारा डे टू इन बिनसर, बिनसर उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। एक बेहतरीन छोटा सा हिल स्टेशन है, चारों तरफ जंगल, पहाड़, जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छे डिसेंट रिजॉर्ट एंड होटल्स एंड व्हाट नॉट। बेहतरीन जगह है, अगर आपको यहाँ पे आके रेस्ट करना है, आराम करना है, इसके लिए बहुत प्यारा वातावरण है। तो आइए चलते हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या नज़ारा है। तो बने रहिए मेरे साथ और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। तो आइए चलते हैं। चलो जी, शुरुआत हो गई है हमारी ड्राइव की। ये हम अपने रिजॉर्ट से बाहर निकलते हुए, बिनसर इको रिजॉर्ट, ये इसका ड्राइववे है, स्टीप चढ़ाई है, इससे बाहर निकलते हुए लंबे लंबे देवदार के और चीड़ के पेड़, मस्त मस्त वातावरण, वाव। तो अब हम आ गए मेन रोड पर, रिकॉर्ड हो रहा। सो रोड कंडीशन, रोड ठीक है बट बहुत नैरो रोड है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो रोड और नैरो हो जाएगी। छोटे से गांव के बीच में से निकलते हुए सुंदर सा पहाड़ी गांव, और आगे जाके जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचेंगे तो रोड थोड़ी वाइड हो जाएगी। सो हमें बहुत ध्यान से चलना होगा, क्योंकि कल भी हमने नोट किया यहाँ जो लोकल टैक्सी हैं, जो पिकअप के, जो दिस महिंद्रा की जो जीप हैं, वो लोग बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। एनीवे, तो ध्यान से चलेंगे, ईश्वर का नाम लेके मजे करेंगे और वापस आएंगे। नेचर एट इट्स बेस्ट आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। किस पे? सोमेश्वर समथिंग, जो मैं पढ़ नहीं पाया। ऐसा ब्लू स्काई हम दिल्ली में या NCR में रहने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। सी दिस क्लीन एंड ब्लू स्काई, लिटिल लिटिल क्लाउड्स, बेहतरीन जंगल, पहाड़, और इंसान को क्या चाहिए। क्या बात है, आई एम लविंग दिस। दोस्तों हॉर्न की आवाज को इग्नोर करना मजबूरी है, रोड इज वेरी नैरो, टेलिंग यू वंस अगेन, और ब्लाइंड कर्व्स है। नेचर, नेचर ऑल अराउंड। ये हैं जो गाड़ियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग करते हैं। राइट साइड में एक बेहतरीन जंगल है। सो इन बेहतरीन रास्तों से गुजरते हुए वी आर अबाउट टू रीच बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कॉर्बेट या रणथंभौर, सरिस्का या पेंच या और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनकी जैसी है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ पे जिस तरह का जंगल होता है उसमें है। और इस सेंचुरी में लेपर्ड हैं, भालू हैं और बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जंगल बहुत घना है और यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। दो तीन लोगों तो आप ट्रैक करिए, 2-3 किलोमीटर का एक स्पॉट है जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से आपको हिमालय का व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है, अगर बादल ना हो तो। तो वहाँ अब बस हम पहुँच गए, अब मिलता हूँ आपसे सेंचुरी के गेट पे। सो ये है जी बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पर। ये मेरे पीछे टिकट काउंटर और ये गेट, यहाँ पीछे इनका कुछ रिसेप्शन सेंटर, और आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे अंदर की क्या स्थिति है, क्या नज़ारे देखते हैं
क्या हम कुछ जानवर स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं और मिलेंगे अंदर। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैप, रिसेप्शन, स्वागत कक्ष, लंबे लंबे ऊंचे पेड़ों के बीच में, क्या बात। ये है पंजीकरण, पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन रूम, जहाँ पे मेरा बेटा द ब्लैक शर्ट साइफ ही स्टैंडिंग है। यहाँ से हमारी गाड़ी का परमिट बनेगा, फॉरेस्ट का हम लोगों का परमिट बनेगा, देन वी विल मूव इनटू दिस रोड। यहाँ से हम अंदर जाएंगे सेंचुरी में। वेलकम टू बिनसर सेंचुरी। तो हमने एंटर कर लिया अंदर। एक छोटी नैरो सी रोड है, अच्छी स्टीप चढ़ाई, बढ़िया देवदार के वृक्ष, हम चलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे ताकि हमारा जो कैप्चर बढ़िया से हमारा वीडियो कैप्चर हो। बिल्कुल तेज़ नहीं चलेंगे और वैसे भी जंगल के अंदर तेज़ नहीं चलना चाहिए। हाँ, यहाँ हम रुकते हैं थोड़ी देर और जरा नज़ारों का आनंद लेते हैं। शीशे गाड़ी का बंद कर देना भाई सब लोग। जब बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ मैं पहाड़ों पे जाता था, बहुत साल पुरानी बात है, तो वहाँ जगह जगह बोर्ड लगे होते थे जंगलों में पहाड़ों पे कि वन की शांति में संगीत है, कृपया इसे भंग ना करें। मुझे आज भी एग्जैक्ट सेंटेंस याद है। तो अब मैं इस वक्त जंगल के बीच में खड़ा हूँ, तो तब तो बच्चे थे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मैं अगर दो मिनट के चुप होता हूँ तो चारों तरफ जंगल में कोई इंसान नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं लिटरली आपको एक संगीत, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मज़ा वो देती हैं। मेरे को आई एम नॉट श्योर कि इसमें माइक में मेरा ये कैच हो रहा होगा, लेकिन अगर हो जाए तो कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ बर्ड्स हैं, इट इज़ वंडरफुल, इट इज़ अमेजिंग, है ना। जस्ट हैव अ लुक ऑफ द सराउंडिंग्स। हाँ जी, तो देखो जी। हाँ जी, बताओ जी। ये हम खड़े हैं तीनों, सोनू इतना हाइट नहीं है इसकी, ये खड़ा हुआ है एक नीचे ड्रम है, ना सहिता इतनी छोटी है, नीचे आ गया, ठीक है ना, नीचे बराबर आ गया, तब भी लंबा हो। अब ठीक है, लेवल पे। तो अब हम लोग खड़े हैं बिनसर वाइल्ड सेंचुरी में और ये मक्खी है जो बहुत तंग कर रही है ना। तो सराउंडिंग्स जो है ना जी, दीज आर ऑसम, इतनी क्लीन एयर है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बादलों की गरजने की आवाज़ आ रही है, हो सकता है कभी बारिश यहाँ पे हो जाए, और बारिश होगा तो और मज़ा आएगा, और हो सकता है कि बारिश में हमारे कोई जानवर भी दिखाई दे जाए। तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है जी, बाय बाय। चलो जी, बाय बाय, बाय फॉर नाउ। जानवर
तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब हम जंगल के अंदर आ चुके हैं, और इस जंगल की बात अच्छी ये है कि यहाँ पे एक छोटी सी संकरी सी रोड बनी है, सामने से गाड़ी भी एक आ गई है, तो उसको पास देना होगा हमें। एंड बट ये रोड बनी है डामर की, किसी ज़माने बनी होगी, बिल्कुल टूटी हुई सड़क है। सो ये गाड़ी आ रही है तो हमने यहाँ रोक लिया, अब इसको पास देंगे निकल जाएगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल कॉर्बेट वाली फील आ गई कई जगह पे आके, वहाँ पे भी ऐसी छोटी छोटी पहाड़ी, ये तो खैर बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहाँ ऐसी छोटी पहाड़ी हैं, रास्ता ऐसा ही है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही कच्चा है। ये लगता है कभी बनी होगी सड़क 50 साल 40 साल 30 साल पहले, जो अब बिल्कुल टूटी हुई है, तो बिल्कुल कॉर्बेट की याद दिला दी कई जगह पर आके। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सर, यहाँ पे यहाँ एलिफेंट नहीं है। एलिफेंट जो है ना उससे सबसे ज्यादा डर होता है। ये सब गाड़ियां रुकी हैं, क्या मंदिर है यहाँ पे क्या? बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रास्ते पे हमें दिखा एक बहुत एंशिएंट मंदिर, छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा। मुझे इसका नाम नहीं पता और यहाँ कोई है भी नहीं, वो बाबा एक जा रहे हैं और दूर हैं, यहाँ से आवाज़ देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये शिवालय है। वंडरफुल, स्मॉल बट ब्यूटीफुल, एंड डेफिनेटली दिस इज एंशिएंट। मंदिर की एक दूसरे एंगल से झलक, सुंदर दिखता हुआ एक एंशिएंट मंदिर। वाओ, ब्यूटीफुल। फोटो शूट करते हुए, नॉट फैशन शूट, फोटो शूट करते हुए। वाओ, सी फोटोग्राफर भी अनाड़ी है, ठीक है तो आपकी। वाओ हाँ जी, तो ये सोनू और सविता लग गए हैं, सोनू मतलब रमणीक मेरा बेटा, तो ये लग गए हैं जी यहाँ पे पाइन कोन ढूंढ रहे हैं। पाइन कोन लेंगे, बोले इसको इसके अंदर पेंट करके डेकोरेशन का काम करेंगे, इससे घर में इसको करेंगे। भाई ये मज़ा नहीं आया इसको देख के। ये सविता बोली है ये छोटा वाला ठीक है, ये उठाओ, ये सोनू उठा रहा है, उसमें कुछ चिपचिप निकल रहा होगा ना। हाँ वो उसमें कुछ निकलता है। चलो फिर ठीक है, अगर पसंद नहीं आ रहा तो आ जाओ। और सारे यहीं पर 10 जगह टूटे फूटे पड़े, तो अभी कहीं थी कमरे बैठ नहीं आई, अब कह रहे हो 10 घर हो गए। अरे फोटो खींच दे मेरी, लाओ चले हुए पेड़ के पास खींचा। दो जी सोनू उतर गए नीचे स्लोप में, अब वो वहाँ से अपनी बहन के लिए पाइन कोन ढूंढने जा रहा है। उसको एक दूर यहाँ पे एक पाइन कोन दिख गया जिसके हिसाब से वो ठीक है, उसको लग रहा है फ्रेश है, तो वो उसको लेके आएगा वहाँ से। बिल्कुल छोटा सा एक, कैसे छोटा सा बेबी पाइन कोन है जी, तो वो कहाँ चला गया पता नहीं, वो हो रहा। बस 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 वापस आ जाओ सोनू, वापस आ जाओ। ये देख आप बताओ क्या, ह्यूज? हाँ, बहुत बड़ा वाला है। क्या पाइन देख, कितना बड़ा इतना बड़ा पाइन कोन मैंने आज पहली बार देखा जी। साइड बना दो। वाओ,